गर्मी का आगाज हो चुका है और ऐसे में सभी अपना पूरा ख्याल रखते हैं, फिर चाहे वो स्किन हो, डाइट हो या कुछ और। तो इस तपती गर्मी में हम कैसे और कौन से कपड़े पहने, इस तरह से आमतौर पर लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते, पर हमारे बी टाउन के स्टार्स जो सर से लेकर पैर तक पूरा ख्याल रखते हैं। जी हाँ, हाल ही में बॉलीवुड की फेमस डिजाइनर एमी बिलिमोरी को उनकी यूनिक इनिशिएटिव अर्थ 21 को सपोर्ट करती दिखाई दी वीर से सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली और चट जेम्स बॉन्ड से बॉलीवुड में भी बेहतरीन अदाकारी से सबका दिल जीतने वाली जरीन खान। इस मौके पर हमेशा की तरह जरीन खूबसूरत तो लग रही थी, जिसके चलते इस इवेंट में उन्होंने एमी का साथ दिया और उनका कहना था कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हर जगह दिखाई देती है। आई कम ओनली एट राइट प्लेस। एमी इज अ डियर फ्रेंड और आज जो मैं खूबसूरत लग रही हूं वो इनके बदौलत लग रही हूं। इन्होंने मेरे लिए इतना खूबसूरत सा गोल्ड कटवर्क का कॉर्सेट गाउन बनाया है आउट ऑफ द इको फ्रेंडली मटीरियल दैट शी इज बीन यूजिंग फॉर अर्थ 21। आना इसलिए हुआ क्योंकि ऐसे तो नहीं कि मैं गायब हो गई थी, मैं यही थी और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर जगह पहुँच जाते हैं। सो आई लाइक टू बी एट द राइट प्लेसेस। जहाँ जरीन ने बताया अपने कुछ आने वाले और पिछले प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो वहीं उन्होंने भी कहा कि आई एम टेकिंग माई टाइम एंड डूइंग गुड वर्क। बहुत जल्दी मैं आपको देख पाऊंगी। वेल जस्ट बिकॉज मैंने हिंदी में अभी कुछ नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑनस्क्रीन नहीं आई हूँ। मेरी अभी हाल ही में एक पंजाबी फिल्म रिलीज हुई है जो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर चुकी है और हिंदी फिल्म भी बहुत जल्दी मेरी एक रिलीज होने वाली है और एक बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। सो आई एम टेकिंग माई टाइम एंड डूइंग गुड वर्क। एमी ने जरीन की डिजाइन ड्रेसेस का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि इको फ्रेंडली क्लोथ्स आर नॉट जस्ट मेंट फॉर रेगुलर वेयरिंग, पर आप इन्हें पहनकर काफी गॉर्जियस लग सकते हैं। एक्चुअली जरीन को ध्यान में रखते हुए हमने एक कॉर्सेट गाउन स्टाइल किया है। आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन दैट इको फ्रेंडली फाइबर्स एंड इको फ्रेंडली जो फैशन की हम बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर वेयर में लिमिटेड नहीं है। एक गॉर्जियस सेलिब्रिटी लाइक जरीन खान कैन लुक गॉर्जियस इवन इन एन इको फ्रेंडली आउटफिट। और आज आप देख रहे हैं पूरा कटवर्क किया है हमने, जो फाइबर्स इसमें यूज़ किए हैं वो सारे इको फ्रेंडली है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्यूटीफुल इको फ्रेंडली में ना लगे। सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट अर्थ 21। जरीन इस यूथ आइकन, इसीलिए इस मौके के लिए उन्हें चुना है, ऐसा कहना था डिजाइनर बिलिमोरिया का। जरीन इज very very bubbly, very very chirpy, she is a youth icon and she looks gorgeous. I think in what she's wearing she's looking beautiful, so keeping her in mind I chose this outfit and today she's done like 100% justice to what she's wearing and I'm really happy and thank you Zareen once again for being here. I do social work for myself and silently, kuch aisa kehna tha Zareen Khan ka. मेरा ये मानना है कि हम यहाँ पे रहते हैं, अर्थ इज़ मेड फॉर अस, और अगर हम ही इसकी ठीक से ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हमारे आने वाली जो जेनरेशन्स हैं उनको हमें उनके लिए हमें कुछ अच्छी जगह छोड़ के जाना चाहिए। मैं पीटा से भी जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे मैं सोशल वर्क करती हूँ बट आई रादर मैं हमेशा उसको साइलेंटली करती हूँ क्योंकि ये मैं अपने लिए करती हूँ, अपनी खुशी के लिए करती हूँ। जरीन ने ये भी कहा कि ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है और वो इसके साथ जुड़कर काफी खुश भी हैं। मैंने ये अर्थ 21 के लिए एमी के लिए ये किया है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतने नोबल कॉज के साथ जुड़ सकी हूँ। जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना था तो मेरे माइंड में बिल्कुल ये पिक्चर नहीं था कि क्लोथ्स यू नो इतने खूबसूरत होंगे, बट जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा तो बहुत सारे आउटफिट्स ऐसे हैं जो आप रेड कार्पेट पे भी पहन सकते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू दैट एमी चोज मी और मुझे उन्होंने इतने बढ़िया कॉज का हिस्सा। इसी के साथ जरीन ने बताया इको फ्रेंडली फाइबर के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स भी। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट तो आज देख ही गया कि उन्होंने यू नो इतनी इकोनॉमिकल फैब्रिक का फाइबर का इतना खूबसूरत सा कपड़ा बनाया है। जैसे मैंने कहा कि जब आप ये सब चीज़ें सुनते हैं तो आप सोचोगे कि बहुत ही सिंपल सा आउटफिट होगा, खादी होगा, बोरिंग सा कपड़ा होगा, बट शी हैज़ एक्चुअली डन वंडर्स। इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद अपने आप को ब्रांड कॉन्शियस नहीं मानती जरीन खान। आई एम वन पर्सन हु इज़ नॉट एट ऑल ब्रांड कॉन्शियस। आई फील दैट जो भी मुझे अच्छा लगता है, जो मुझ पर अच्छा लगता है, जो मुझे सूट होता है और जिसमें मैं कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ, दैट इज़ वॉट आई वेयर एंड दैट इज़ वॉट आई चूज। आई डोंट केयर अबाउट द ब्रांड।
By planting trees, we can save Mother Earth. और यही motive है मेरा इस cause के पीछे, बिली मोरिया ने बताया. This is a viscose blend और हमने एक नया viscose blend तैयार किया है, which is at least 200 times better than pure cotton. हम जब eco-friendly की बात करते हैं, I think layman को यही समझ में आता है कि हाँ cotton होगा, हाँ या खादी होगा. लेकिन ज़्यादातर designers इतने ऊपर आके इतनी effort नहीं करे हैं कि okay, if we do make a difference, we will make a difference by curbing fashion waste. ये जो मेरा Earth 21 cause है, the entire profits of the outfits that we sell on Earth 21 are going to plant trees. और मैंने ये pledge लिया है कि हर एक outfit का जो हम profit कर रहे हैं, हम trees plant कर रहे हैं. Because at the end of the day, by planting trees is what I believe we can save Mother Earth. तो देखा आपने कि हम सिर्फ ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहनकर ही नहीं बल्कि इको फ्रेंडली क्लोथिंग में भी डिसेंट और ग्लैमरस लग सकते हैं. तो आप भी कर सकते हैं इस गर्मी में ऐसा ही कुछ जो कि ग्रेसफुल और पॉकेट फ्रेंडली हो सके और साथ ही साथ जो ला सके आपके आउटलुक में चेंज. एंटरटेनमेंट डेस्क से प्रभजोत पवार के लिए जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज. खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए. हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर. खबरों के साथ बने रहिए रात दिन.